जय हिंद साथियों, एग्ज़ाम डे पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम देखेंगे जो मार्च 2023 की जो करंट अफेयर है उस पर जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पूरी मार्च 2023 के, वो आपके सामने इस वीडियो में आप देखेंगे। तो इसकी डे बाय डे 10 क्वेश्चन आपको इसमें कराए जाएंगे। तो आज इसमें सारे जो जितने भी मार्च के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो 2023 के हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, आइए बिना देरी करें उन क्वेश्चनों को हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम इसमें देखेंगे, जो पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा है, यानी कि पहला क्वेश्चन है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो यह 16 मार्च को मनाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IQ एयर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित प्रदेशों की सूची में शीर्ष चार्ट रहा है, वह भारत में कौन सा स्थान पर है। वहीं भारत कौन से स्थान पर है, तो भारत जो है 8वें स्थान पर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 3 है, देश का कौन सा राज्य रेशम उत्पादन के लिए बीमा योजना शुरू करने वाला पहला राज्य बना है। तो यह उत्तराखंड बना है। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, उत्तराखंड वाला, इसे आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसे देखेंगे, 32वां सरस्वती सम्मान 2023 इसके लिए चुना गया है, मतलब इसके लिए जो व्यक्ति को चुना गया है वह शिव शंकरी को चुना गया है। यह भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, 32वां सरस्वती सम्मान पुरस्कार कौन चुना गया है, शिव शंकरी चुने गए हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, देश की पहली व्यवहार प्रयोगशाला किस शहर में स्थापित हुई है। यह जयपुर में स्थापित हुई है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 6 है, साहित्य अकादमी के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो इसमें चुना गया है माधव कौशिक को। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, सिप्री द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2018 से 2022 के दौरान कौन सा देश हथियार आयात करने के मामले में शीर्ष पर रहा है। तो यह भारत रहा है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र का आयोजन किया गया है। यह आयोजन भारत और सिंगापुर के बीच किया गया है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, CO2 आयात करने व इससे समुद्र से नीचे भंडारित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है, डेनमार्क। यह भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें जो CO2 का आयात करने में और समुद्र के नीचे भंडारित करने वाला जो पहला देश बना है, यानी कौन बना है, डेनमार्क। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, अमेरिकन सरकार द्वारा सिलिकॉन वैली बैंक के बाद हाल ही में किस बैंक को बंद कर दिया गया है। तो सिग्नेचर बैंक को इसको बंद कर दिया गया है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, जिसे जूम कर लेंगे, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की कैबिनेट द्वारा राज्य के कार्यकर्ताओं को सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण मंजूरी प्रदान की गई है। तो यह उत्तराखंड सरकार द्वारा की गई है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कितने देशों के बैंकों को रुपए में व्यापार करने की मंजूरी प्रदान की गई है। तो यह 18 देशों को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, जो इसमें आप ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर। इसके बाद देखेंगे हम पूरा क्वेश्चन, नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा देश के किस शहर में एग्री यूनिफैक्ट का उद्घाटन किया गया है। तो यह बंगलुरु में किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस वर्ष तक लोगों के भोजन में 30% का नमक कम करने का लक्ष्य रखा गया है, 2025 तक। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, एशियाई खो खो चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा। तो यह असम में किया जाएगा। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं आतिथ्य मेला हाल ही में कहाँ आयोजन किया गया है। तो यह नई दिल्ली में किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, किस देश द्वारा एरिक गारिस्टी में भारत में अपना राजदूत नियुक्त किया है, अमेरिकन। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, फीफा के अध्यक्ष के रूप में पुनः
जियानी इन्फेंटियो को चुना गया है। इस पद के लिए उनका कार्यकाल कब तक का होगा? तो 2027 तक के लिए चुने गए हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, हनीवेल के सीईओ के रूप में हाल ही किसे नियुक्त किया गया है? विमल कपूर को। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, समीर खाकर का हाल ही में देहांत हो गया है, वे क्या थे? एक अभिनेता थे, यानी कि एक्टर थे। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व नींद दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 17 मार्च को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट किस देश के राष्ट्रपति के खिलाफ गिरफ्तारी के वारंट जारी किए गए हैं? रूस। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में कितने नए जिलों का गठन करने की घोषणा की गई है? तो 19 जिलों को गठन करने की, राजस्थान में जो 19 जिलों का गठन किया जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, सेंट्रल बैंक इन अवार्ड 2000, सेंट्रल बैंक इन अवार्ड 2023 में किसे गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड सम्मानित किया गया है? शक्तिकांत दास को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किसे राष्ट्रपति ध्वज प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया गया है? INS द्रोणाचार्य को। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है, बॉयकॉम 18 ने अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किसे किया है? तो MS धोनी को, बॉयकॉम 18 ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, U12 समूह में पाक जलडमरू मध्य को सबसे तेजी से तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय कौन है? यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यह सपन्ना रमेश सेलार, जो कि पाक जलडमरू को तैरकर सबसे तेज पार करने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति बने हैं। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, टाटा टाटा कंसल्टेंसी सर्विस TCS ने सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया है? के कीर्ति वासन को। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, अश्वनी कुमार को किस बैंक के MD सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? यूको बैंक। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, उससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपको इस पर जो कमेंट, जो करंट अफेयर की जो इसमें प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारे चैनल पर, उसमें आप जाकर लास्ट के 6 मंथ की करंट अफेयर देख सकते हैं, जो कि 2023 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। और उसके बाद आप मंथली करंट अफेयर उसमें जाकर देख सकते हैं। तो आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को भी लाइक कर दें। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, अश्विनी कुमार को किस बैंक के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यूको बैंक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बहुपक्षीय अभ्यास सी ड्रोन 2023 आयोजन किस देश के बीच शुरू किया गया है? किस देश में शुरू किया गया है? तो यह अमेरिका में किया गया है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, विश्व गोरैया दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 20 मार्च को मनाया जाता है। भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL के CMD के रूप में नियुक्त किया गया है? जी कृष्ण कुमार को। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, भारतीय रेलवे द्वारा किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? 2030 तक। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में शीर्ष पर अफगानिस्तान रहा है, वही भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो यह 13वां स्थान। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देश के किस राज्य में सरस आजीविका मेला 2023 का आयोजन किया गया है? यह उत्तराखंड में किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, भारतीय कपास निगम लिमिटेड CCI के CMD के रूप में नियुक्त किया गया है? ललित कुमार गुप्ता को। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, लग्जर के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विराट कोहली को।
इसके बाद आप अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेपाल के उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? राम सहायक प्रसाद यादव को। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, OECD के वित्त वर्ष 2024 में भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो 5.9%। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बिपिन द मैन ऑफ बिहाइंड द यूनिफॉर्म नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? रचना बिस्ता बिस्तवात रावत के द्वारा। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, विश्व वानिकी दिवस इस तिथि को मनाया जाता है 21 मार्च को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पांचवा पोषण पखवाड़ा कब से कब तक मनाया जाएगा? यह 20 मार्च से 3 अप्रैल तक मनाया जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, हाल ही में जारी विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2023 में सबसे खुशहाल देश फिनलैंड रहा है, वहीं भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो यह 126वां स्थान भारत का रहा है। तो इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, इस देश द्वारा भारत को G7 समिट 2023 में गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया गया है? जापान। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, किस राज्य सरकार द्वारा हाथियों की सुरक्षा के लिए 600 गजमित्र नियुक्त करने की योजना बनाई गई है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा गजमित्र 600 गजमित्र बनाए जाएंगे जो हाथियों की सुरक्षा करेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, पशु चिकित्सा एवं आयुर्वेद पर अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? हरिद्वार उत्तराखंड में। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, भारत और किस देश के मध्य डीजल मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया है? भारत और बांग्लादेश के बीच। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, भारत और किस देश के बीच स्थित मैकमोहन रेखा को अमेरिका द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता प्रदान की गई है? भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है, इसे आप याद कर लेंगे। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता है, थोड़ी हमारी सपोर्ट रहेगी तो इससे अच्छी हम आपको बढ़िया से बढ़िया जो कंटेंट देने की जो पूरी कोशिश करेंगे, और साथ ही साथ जितने भी 2023 के लिए जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर और जीके के क्वेश्चन हैं आपको हम प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, टीम पेन के क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, वह किस देश के क्रिकेट के पूर्व कप्तान थे? यह ऑस्ट्रेलिया के थे, टीम पेन ये क्रिकेटर जो थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, फुमियो फिसौदा किस देश के प्रधानमंत्री हैं जो 20 मार्च को अपनी 2 दिवसीय भारत यात्रा पर रहेंगे? तो यह जो है जापान के प्रधानमंत्री हैं। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, रुक जाओ इसे जूम कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा जूम आउट कर लेंगे। हाँ यस, अब देखेंगे, विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह है 22 मार्च को। तो 22 मार्च को जो है जल दिवस मनाया जाता है, और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, और 22 मई को आपका जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, तो इसे आप कभी नहीं भूलेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 21 मार्च को। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 में किसे सम्मानित किया जाएगा? तो बॉम्बे जयश्री को। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, दिल्ली में आयोजित वैश्विक बाजरा सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो यह नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, भारत और किस उद्योगपति के विशिष्ट सेवा के लिए अंडर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया में नियुक्त किया जाएगा? तो यह रतन टाटा। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, अगला क्वेश्चन रहेगा, श्रीलंकाई प्रदर्शन जेफरी बाबा इट्स एसोसिएशन टू बी डियर
का उद्घाटन नई दिल्ली में किसके द्वारा किया गया है? तो जयशंकर के द्वारा। यह एक प्रदर्शनी थी, इसका उद्घाटन जयशंकर एस जयशंकर के द्वारा किया गया है। पद्मा लक्ष्मी हॉल में किस राज्य की पहली ट्रांसजेंडर वकील बनी है? तो यह केरल की। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, किस राज्य के प्रधानमंत्री द्वारा रोजगार पंजीकरण के उद्देश्य से झरनी योजना पोर्टल को लॉन्च किया गया है? यह झारखंड के द्वारा। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, आईसीआई जुडिशियल लाइफ इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ के रूप में कौन बना है? तो यह अनूप बागची, जो इनको बनाया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, हाल ही में किस ग्रह पर वैज्ञानिकों द्वारा सक्रिय ज्वालामुखी की खोज की गई है? तो यह शुक्र। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, इसे थोड़ा जूम कर लेंगे। इसमें देखेंगे, विश्व मौसम विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 23 मार्च को। इसके बाद है, मिसेज इंडिया 2023 के रूप में किसे चुना गया है? ज्योति अरोड़ा को। सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2022 में भारत का सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी के रूप में किसे चुना गया है? रणवीर कपूर जो है एक्टर, उनको चुना गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने 22 मार्च 2023 को अपना स्थापना दिवस मनाया गया है? यह बिहार द्वारा मनाया गया है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने में एशिया के सबसे बड़े लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया है? तो यह उत्तराखंड में किया गया है। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, किस राज्य सरकार द्वारा दयालु योजना की शुरुआत की गई है? तो यह हरियाणा द्वारा। भारत महोत्सव 2023 का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया है? यह कुवैत में किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, आईएसएसएफ विश्व कप निशानेबाजी चैंपियनशिप 2023 सरबजोत सिंह में कौन सा पदक जीता है? तो यह स्वर्ण पदक जीता है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, एशियाई बिलियर्ड्स खिताब हाल ही में किसने जीता है? पंकज आडवाणी ने जीता है। इसके बाद है, टायर निर्माता कंपनी सीएट के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? अर्णब बनर्जी को। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, विश्व क्षय रोग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 24 मार्च को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, होरू रिसर्च द्वारा हाल ही में जारी सबसे बड़े अरबपति की सूची में शीर्ष पर एलोन मस्क रहे हैं, वही मुकेश अंबानी का स्थान 9वां स्थान रहा है। तो यानी कि जो भारत के मुकेश अंबानी है उनका 9वां स्थान रहा है, जहां एलोन मस्क का प्रथम स्थान है उसमें। देश का पहला राज्य कौन सा है जिसने अपनी विधानसभा में स्वास्थ्य का अधिकार RTH विधेयक पारित किया है? राजस्थान विधानसभा ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, भारत का पहला मेगा टेक्सटाइल पार्क हाल ही में किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो तमिलनाडु में किया गया है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्टैचू ऑफ द नॉलेज स्टैचू और नॉलेज नामक प्रतिमा का अनावरण अप्रैल 2023 के दौरान किस राज्य में किया जाएगा? यह महाराष्ट्र में किया जाएगा। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप एक भी जो इम्पोर्टेंट वीडियो है उसे मिस ना कर पाए, और आप साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करेंगे, जिससे कि हमें अधिक से अधिक सपोर्ट मिल सके। आइए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, नई दिल्ली में किसके द्वारा वैदिक हेरिटेज पोर्टल का उद्घाटन किया गया है? तो यह अमित शाह के द्वारा किया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिले में स्थित हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर रख दिया गया है? तो यह रायबरेली। यह क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, नववर्ष उगादि त्यौहार हाल ही में किस राज्य में मनाया जाएगा? तेलंगाना में। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, इन्वेस्ट इंडिया के
एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है मनमीत के नंदा को। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, आसिफ शेख, क्रिस्टोफर मेटिन जॉन किंग स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड 2022 जीता है, वह किस देश के क्रिकेटर हैं? तो यह किस देश के क्रिकेटर हैं? तो यह है नेपाल के क्रिकेटर हैं। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसे पहले जूम कर लेंगे, रुको। ये हमने कर लिया है। हाँ, अगला क्वेश्चन है, जो कि वन लाइनर के रूप में है, महानी मामले के अदालत के द्वारा राहुल गांधी को दोषी ठहराए जाने के बाद लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा उनकी लोकसभा सदस्यता को समाप्त कर दिया गया है, वह किस राज्य की लोकसभा सीट के सदस्य थे? यह किस, तो बाय नॉट केरल के। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, केरल राज्य के सर्वोच्च नागरिक, केरल राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो एमटी वासुदेवन नायर को। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, देश के किस शहर में विश्व क्षय रोग टीवी दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वन बर्ड टीवी समिट का संबोधित किया गया है? तो यह है वाराणसी। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, लखनऊ में किसके द्वारा उत्तर प्रदेश की गुणवत्ता संकल्प का उद्घाटन किया गया है? ब्रजेश पाठक के द्वारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, भारत और अफ्रीकी देशों की सेनाओं के मध्य प्रशिक्षण अभ्यास एफिडेक्स 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह है पुणे में किया जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, भारत और किस देश की नौसेना के मध्य संयुक्त समुद्री अभ्यास कोंकण 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, आयोजित किया जाएगा? तो यह है ब्रिटेन। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, वैश्विक पर्यटन निवेशक शिखर सम्मेलन हाल ही में किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो शहर का नाम है दिल्ली, जो कि भारत की राजधानी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, छत्रपति शिवाजी महाराज चलचित्र नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखित है जिसकी विमोचना किया गया है? तो श्रीमद् कोकटे के द्वारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, द मैटर ऑफ द हार्ट एजुकेशन इन इंडिया नामक पुस्तक के हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह है अनुराग बेहर के द्वारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रदीप सरकार का हाल ही में देहांत हो गया, वह क्या थे? एक निर्देशक थे। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन भी आपको वन लाइनर के रूप में देखने को मिलेगा, तो हम देखेंगे, पहला क्वेश्चन है इसमें, आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में नीतू घनघास ने 18 जो 48 केजी भार वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में स्वीटी बूरा ने 81 केजी भार वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता है। इसके बाद है, आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में निखत जरीन ने 48 से 50 किग्रा भार वर्ग में कौन सा पदक जीता है? इन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता है। इन तीनों ने जो स्वर्ण पदक जीता है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, गणित के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार कहा जाने वाला हेवेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो लुइस कैफरेली अर्जेंटीना को। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में आपदा प्रबंधन निधि 2023 जारी की गई है? यह तमिलनाडु के द्वारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, एनजीटी द्वारा किस राज्य सरकार पर रामसर स्थलों की सुरक्षा में असफल रहने पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है? यह केरल, केरल राज्य पर। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, तंथे पेरियार वन्य जीव अभयारण्य को किस राज्य का 18वां वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया है? यह तमिलनाडु। तो यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को एक वर्ष में 12 सिलेंडर पर 200 रुपये प्रति सिलेंडर सब्सिडी को कब से कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो एक वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे,
न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? टीमा बाना रेफे, जो कि ब्राजील से हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, विश्व थिएटर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यह 27 मार्च को मनाया जाता है। इसके बाद हम अगला जो वन लाइनर देखेंगे, रुको इसे जूम कर लेंगे थोड़ा। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पर्यावरण और स्थिरता कार्य समूह की दूसरी बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो गांधीनगर। इसका आयोजन 27 मार्च से 29 मार्च तक होगा। इसकी पहली बैठक 9 से 11 फरवरी के दौरान बंगलुरु में हुई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन, हरियाणा के गुरुग्राम में किसके द्वारा अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का शुभारंभ किया गया है? यह भूपेंद्र यादव। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, आजाद नामक पुस्तिका किसके किसकी आत्मकथा है जिसका हाल ही में विमोचना की गई है? यह गुलाम नबी आजाद। इसका विमोचन 5 अप्रैल को नई दिल्ली में होगा। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप लास्ट के 6 मंथ की करंट अफेयर, जो कि 2023 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मंथली करंट अफेयर जाकर आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में देखिएगा। वहाँ एक प्लेलिस्ट मिलेगी आपको करंट अफेयर, उसमें आपको सारी करंट अफेयर की वीडियो मिल जाएंगी। और आप किस टॉपिक पर अगली वीडियो चाहते हो तो आप उसमें उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपको वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसरो द्वारा ब्रिटेन के बनब्रेव ग्रुप कंपनी के 36 उपग्रहों को किस रॉकेट द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है? तो LBM 3। इसे श्री हरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया है, यह भी आप याद रखेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, उत्तराखंड राज्य का पहला खेल विश्वविद्यालय किस शहर में स्थापित किया जाने की घोषणा की गई है? हल्द्वानी के कुमाऊं में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, एशियाई हॉकी महासंघ द्वारा किस देश के हॉकी महासंघ को बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह है भारत। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, कॉल बिफोर यू डिग नामक मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? यह नरेंद्र मोदी द्वारा, जो प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, देश के किस राज्य में मोरे इल मछली की एक नई प्रजाति की खोज की गई है? तो यह तमिलनाडु। तो यह है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक नई खोज प्रजाति की नई खोज की गई है, तो यह तमिलनाडु में की गई है। इसके बाद है, कश्मीर में एल्स ओसी के पास किसके द्वारा माँ शारदे मंदिर का वर्चुअली माध्यम से उद्घाटन किया गया है? तो यह अमित शाह द्वारा किया गया है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, गोर्डर मूर पहाड़ी में देहांत हो गया है, यह किस कंपनी के संस्थापक थे? तो इंटेल के। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, जो कि विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 से संबंधित है। आपके जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनको इस स्लाइड में हम देखेंगे। तो विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन 15 मार्च से 26 मार्च 2023 के बीच हुआ है। आयोजनकर्ता अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ IBA। IBA की स्थापना 1946 में हुई थी। इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। तो आप इसको भी याद कर लेंगे। यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। इसके बाद देखेंगे, भारत में स्वर्ण पदक विजेता नीतू घनघास ने 48 kg भार वर्ग में मंगोलिया के युत्शखान अंडरस्टिक को 5-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता है। इसके बाद हम अगला जो देखेंगे, स्वीटी बोरा ने 81 किलोग्राम वर्ग में चीन के बंगली को 3-2 से हराकर स्वर्ण पदक जीता है। इसके बाद है अगला जो है, निकहत जरीन है, इन्होंने 48 से 50 किलोग्राम लाइट फॉरवर्ड वर्ग में वियतनाम गुन्ते को 5-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता है।
निखत जरीन ने लगातार, इसको भी आप मोस्ट इम्पोर्टेंट देख लेंगे, निखत जरीन ने लगातार दूसरी बार स्वर्ण पदक जीता है। एक से अधिक पदक जीतने वाली निखत जरीन एमसी मैरी कॉम के बाद दूसरी महिला बनी है। तो यह भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस पर बनने वाला है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, हम जो अगला है, अगली खिलाड़ी है लवलीना बोरगोहन। यह 70 से 75 किलोग्राम भर कैटेगरी में ऑस्ट्रेलिया की कैटरिन पार्कर को 5-2 से हराकर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। यह सभी आपके लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इनसे बनने वाले हैं, आप इसको जरूर देख लेंगे। साथ ही इसकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आप इसकी जो पीडीएफ है आप प्राप्त कर सकते हैं। और आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमको कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, हम आपको पीडीएफ जो है आपको प्रोवाइड करा देंगे। इसके बाद अगला देखेंगे हम, अगला क्वेश्चन है इसमें, इसे जूम कर लेंगे। तो अगला क्वेश्चन है इसमें, भारत सरकार द्वारा अरहर की दाल स्टॉक निगरानी के उद्देश्य से किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है, निधि खरे के। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा की गुफाओं, एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं तक तैरने वाली पहली व्यक्ति हाल ही में कौन बनी है। तो कृष्ण प्रकाश, उन्होंने 16.20 किलोमीटर का अभियान 5 घंटे 26 मिनट में पूरा किया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, मध्य प्रदेश के किस राज्य में सुंदरता आम को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। रीवा, रीवा मध्य प्रदेश। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत व्यापार और निवेश कार्य समूह की पहली बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है। तो यह मुंबई। इसका आयोजन 28 मार्च से 30 मार्च तक होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, नामीबिया से लाई गई मादा चीता सांसा हाल ही में मौत हो गई है, उसे मध्य प्रदेश के किस राज्य पार्क में रखा गया था, या कौन राष्ट्रीय पार्क में। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 किसके द्वारा प्रदान किया गया है। अलिया मीर को। किसे प्रदान किया गया है, अलिया मीर को। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, किस राज्य सरकार द्वारा सरकारी नौकरी और शिक्षा में मुस्लिम समुदाय के 4% ओबीसी आरक्षण को समाप्त करने की घोषणा की गई है। कर्नाटक। इस समुदाय को अब ईडब्ल्यूएस के तहत आरक्षण दिया जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, चुनाव आयोग द्वारा ट्रांसजेंडर समुदाय को मतदान हेतु प्रेरित करने के लिए उद्देश्य से किसे कर्नाटक सरकार ने एक ट्रांसजेंडर को पोल आइकन चुना गया है। तो ममता जोगती को। इसके साथ ही राहुल द्रविड़, अश्विनी अंगाड़ी, गिरीश गोड़ा और चंद्रशेखर कंवर को भी पोल आइकन चुना गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, विश्व बैंक द्वारा किस राज्य में बाढ़ प्रबंधन परियोजना हेतु 108 मिलियन डॉलर के ऋण की मंजूरी प्रदान की गई है। यह किस राज्य को की गई है, यह असम राज्य को की गई है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, इन्वेस्ट इनोसेंट का हाल ही में देना देहांत हो गया है, वह क्या थे। तो मलयालम अभिनेता एवं पूर्व सांसद भी रहे हैं वो। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है बनलाइनर, इसे हम देखेंगे, तो किस देश जो देश के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम संचार सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो यह नई दिल्ली में किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, किस देश के किस आईटीआई संस्थान द्वारा दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए पैकेट फ्रेंडली डिवाइस की विकसित किया गया है। तो आईआईटी मद्रास द्वारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, फाउंडेशन ऑफ द सार्क राइटर्स एंड लिटरेचर द्वारा बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को विशेष साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, वह किस देश के थे। तो शेख मुजीबुर रहमान का संबंध बंगबंधु का किससे है, बांग्लादेश से है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, संघाई सहयोग संगठन SCO के नए सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है। तो नई दिल्ली में किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, किस राज्य सरकार ने NGO तपोवन की चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड 2023 में सम्मानित किया गया है।
ये असम में किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, एक्सिस सिक्योरिटीज ने नए एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है प्रणव हरिदासन, वह बी गोपी कुमार के स्थान लेंगे। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि सातवां क्वेश्चन है, किस राज्य की विधानसभा द्वारा मीडिया कर्मियों की सुरक्षा के उद्देश्य से एक विधेयक पारित किया गया है, तो यह छत्तीसगढ़ के द्वारा किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बसु चटर्जी मिडल ऑफ द रोड सिनेमा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, अनिरुद्ध भट्टाचार्य के द्वारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, IWF विश्व चैंपियनशिप में धनुष लोगनाथन तथा जोस्ना सावर में कौन सा पदक जीता है, कांस्य पदक जीता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स द्वारा कहाँ वायु प्रहार अभ्यास का आयोजन किया गया है, यह पूर्वी क्षेत्र में किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, अंतर्राष्ट्रीय शून्य ऐप पहला अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस किस तिथि को मनाया जाएगा, तो यह 30 मार्च को मनाया जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, भारत सरकार द्वारा पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण के लोकपाल की अधिकतम आयु की सीमा 65 वर्ष से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, यह 70 वर्ष कर दी गई है। इसके बाद है, NPCI द्वारा 2000 रुपये से ज़्यादा के UPI पेमेंट पर कितने प्रतिशत का इंटरचेंज चार्ज लगाने की घोषणा की गई है, 1.11 यानी कि 1.1% का चार्जेस लगेगा अगर 2000 से ज़्यादा तुम UPI पेमेंट को इंटरचेंज करते हैं तो। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, अजय बंगा को। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपके 2023 के एग्ज़ाम यानी कि जो आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उनके लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है आपको समय पर प्राप्त हो सके। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, अजय कुमार को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, टेक्सटॉक्स विश्वविद्यालय द्वारा किस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, नवीन जिंदल को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन SCO का संवाद साझेदार देश बना है, सऊदी अरब। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हमराज यूसुफ किस देश के पहले मुस्लिम मंत्री चुने गए हैं, स्कॉटलैंड के। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल की किस अमेरिकी महिला को भारतीय राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय मानविकी पदक से सम्मानित किया गया है, मिंडी कोलिंग को। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, गिरीश बापट का हाल ही में देहांत हो गया है, वह क्या थे, एक राजनेता थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यानी कि ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे आपको वीडियो कैसी लगी और आप अगले किस टॉपिक पर हमें वीडियो चाहते हैं, और साथ ही आप इसकी PDF चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा, PDF लिखकर सेंड कर दीजिएगा, आपको PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो इसी के साथ हम अगली वीडियो में आपको मिलेंगे, जिस जो कि 2023 के लिए करंट अफेयर की वीडियो होगी। तो आप जो वीकली करंट अफेयर भी चाहते हो तो आप बताएं कि आपको वीकली करंट अफेयर भी हम प्रोवाइड कराएंगे, और साथ ही हमारे चैनल पर आपको जो करंट अफेयर के साथ साथ जो GK की वीडियो है, जो इम्पोर्टेंट GK के क्वेश्चन है वो आपको इसी चैनल पर मिलने वाले हैं। साथ ही साथ यूपी पुलिस का जो आपको प्रैक्टिस बैच है वो आपको हमारे चैनल पर, प्रैक्टिस सेट वाले जो प्रीवियस सेट पेपर जो एक प्लेलिस्ट है आपको उसमें मिल जाएगा, तो आप हमारे चैनल पर जाकर जो लास्ट की 6 मंथ की करंट अफेयर है आप उसे ही पढ़ सकते हैं। साथ ही आपके लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और करंट अफेयर GK से संबंधित वीडियो हैं आपको समय समय पर प्रोवाइड करा दी जाएंगी, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।